प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। सर, इस बार जो नोटबंदी हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे कि पिछली बार की तरह पैनिक इस बार लोग करें या ना करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं। देखिए, वो जब हम नोटबंदी की बात करते हैं तो वो अंग्रेजी में डीमोनेटाइजेशन समझा जाता है। आज भी नोटबंदी तो हुई नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि व्यापक रूप से हर करेंसी जो थी उसको एक तारीख से समाप्त कर दिया गया। अभी तो यह किया गया है कि जो ये 2000 रुपए के नोट हैं, जो आम तौर से कम प्रधानमंत्री जी की विचारधारा तो मैं जानता हूँ 2016 से थी कि ये 2000 रुपए के नोट बहुत बड़े नोट हैं। नंबर एक, ये गरीबों के लिए नहीं है, गरीब के खरीद परोक्ष या लेन देन के लिए नहीं है। नंबर दो, इससे हम पुनः काले धन को इकट्ठा करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी धनराशि 2000 रुपए में व्यवहारिक हो जाती है रखने के लिए। तीसरा, हम टैक्स इवेजन, जो करों की चोरी है, उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो उनका यह मत था कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है और इस व्यवस्था को हम जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे, और वह ऐसे कदमों को वह किस्तों में करते हैं। वो उनके स्वभाव में है, जिसको हम अंग्रेजी में मैनेजमेंट की परिभाषा में मॉड्यूलर बिल्डिंग कहते हैं। तो उनके ये मॉड्यूलर बिल्डिंग का हिस्सा था कि उन्होंने सबसे पहले यह उचित समझा कि 2018 से लगभग नोटों की प्रिंटिंग समाप्त कर दी जाए। नोट मतलब 2000 रुपए के नोट है। नोट 2000 रुपए के जब समाप्त कर दिए जाएंगे तो एक 2000 रुपए के जो उपलब्धता है वो सीमित हो जाएगी, उसकी एक बाउंड्री खिंच जाएगी। फिर उन्होंने दूसरा कदम यह लिया कि चूंकि इनकी एक अवधि होती है, ये जो बड़े नोट होते हैं ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिसको सॉइलिंग अप नोट कहते हैं। तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो एक दूसरी व्यवस्था जो मॉड्यूलर बिल्डिंग का निर्णय था, उसमें यह था कि अब रिजर्व बैंक इनको वापस ले ले। वापस लेने में जब भी जमा बैंकों ने किया तो वो वहीं रोक दिया गया और बैंकों को वापस 100 और 500 के नोट दिए गए। ATM में 2000 के नोट नहीं मिल रहे थे। इस प्रकार लगभग 90% 2000 रुपए के नोटों को ऑलरेडी RBI ने विड्रॉ कर लिया। अब जो बचा खुचा था उसके लिए RBI ने ये निर्णय ले लिया कि हम 30 सितंबर तक इसको सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लेंगे, वापस कर लेंगे, और जिस किसी के पास 2000 के नोट हैं वो किसी भी बैंक में, रिजर्व बैंक की शाखा में जा करके किसी भी समय जो है, जो कार्यकाल है, समय का मतलब जिस अवधि में दफ्तर खुलते हैं उस अवधि में जा करके वो उसको बदलाव कर सकता है। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, कोई नाम नहीं लिखा जाएगा किसी प्रकार का। तो एक जो मन में शंका है कि कहीं लोग, और वो भी आप देखिए ना, क्या कहा गया कि एक बार में 20,000 रुपये का नोट आप बदल सकते हैं, आप दो दिन बाद फिर जाइए, अगर आपके पास ज़्यादा है नोट आप फिर बदल लीजिए। तो ना आप पर कोई देख रेख या जिसको स्पाइंग कहते हैं वो किया जा रहा है कि साहब टैक्स डिपार्टमेंट लग जाएगा पीछे, ना आपको कोई असुविधा है कि बड़ी बड़ी लाइनें लगेंगी, आसानी से एक्सचेंज हो जाएगा। और इसका मैं आश्वस्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से, यद्यपि मैं आज किसी अथॉरिटी में नहीं हूँ, लेकिन एक नागरिक के रूप में आश्वस्त करना चाहूँगा कि यह कहीं भी डीमोनेटाइजेशन से इसको जोड़ना नहीं चाहिए। ये एक पूर्णतः व्यवहारिक अर्थव्यवस्था, एक साउंड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें प्रधानमंत्री जी विश्वास करते हैं, साउंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट, उसमें ये था कि ये बड़े बड़े जो नोट होते हैं 2000 रुपए के वो नहीं छपने चाहिए। तो इस प्रकार से ये निर्णय है जो कि मैं समझता हूँ सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। सर, आप 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उस प्रक्रिया में भी आप शामिल रहे थे, तो आपका कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जी ने जब 2016 में नोटबंदी शुरू की थी उसके 2 साल के बाद ही कि 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद हो गई थी,
तो वो प्रक्रिया सर क्या थी कि वो 2000 रुपये लेकर आए थे? देखिए वो यद्यपि एक मैं तरीके से एक गोपनीयता का उल्लंघन कर रहा हूँ, लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन का निर्णय लिया गया तो यह देखा गया था कि कुल नोट 100 और 500 रुपये और 1000 के कितने, मूल्य क्या है। फिर ये कहा गया, सोचा गया और देखा गया, उसकी योजना बनाई कि अगर हम इसको 100, 50 के नोट, क्योंकि 1000 का नोट नहीं छपना था, तो अगर हम 100 और 500 के नोट छापते हैं या कुछ 50 रुपये के नोट छापते हैं, तो जितने मूल्य की धनराशि हम वापस ले रहे हैं, क्या उस मूल्य की धनराशि को हम एक निश्चित अवधि में जनता के पास पहुंचा पाएंगे? तो सबका यह विश्वास था, पूरी टोली का, कि हम यह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छपने की क्षमता, जो हमारे प्रिंटिंग प्रेस हैं और हम बाहर छपवा नहीं सकते थे, उनकी बड़ी सीमित होती है। उनको 3 शिफ्ट चलाया गया तब भी नहीं हो सकता था। तो इसलिए यह उचित पाया गया कि हम 2000 रुपये के नोट छापें। तो लोग प्रायः उस समय कहते थे कि आपने 1000 का तो विड्रॉ कर लिया और एक बड़ा रोग 2000 का आपने पाल लिया। उस समय ही प्रधानमंत्री जी के मन में यह विश्वास था, यद्यपि उन्होंने किसी से कहा नहीं, कि वह 2000 रुपये के नोट को अति शीघ्र सर्कुलेशन से वापस करेंगे। एक अस्थाई, एक विशेष परिस्थितियों को उस समय उसका समाधान निकालने के लिए निर्णय लिया गया था, और उसको उन्होंने एक तरीके से मॉड्यूलर बिल्डिंग मैनेजमेंट के जरिए उन्होंने समाप्त किया। पहले उन्होंने प्रिंटिंग रुकवा दी, तो एक चार दीवारी बन गई कि अब कुल मिला के 2000 के नोट कितने हैं। फिर उन्होंने उसको धीरे धीरे सर्कुलेशन से वापस करवाया, RBI ने ATM से वापस कराया, औरों से वापस करवाया, बैंकों से जब रिजर्व बैंक को पैसा गया तो वापस हुआ, और उसके बाद अब रिजर्व बैंक ने यह निर्णय ले लिया, क्योंकि अब वह पूरी तरह सक्षम है कि 2000 रुपये के जो नोट बाकी हैं, जो कुछ प्रतिशत है, वो वापस कर सकेंगे और उसकी जगह वह 100 और 500 के नोट दे सकेंगे। तो एक एक्सचेंज है, एक सीधा साधा एक्सचेंज है कि बड़े नोट को समाप्त करके छोटे नोट की इकोनॉमी होनी चाहिए। इसमें कहीं भी डिमोनेटाइजेशन की दूर दराज से शंका नहीं है। अच्छा, जो नोटबंदी टू लोग बोल रहे हैं वो ये नहीं है, मतलब ये किसी वाला प्रकार से नोटबंदी टू नहीं है। ये सामान्य बैंक में आप आज भी जाते हैं, मैं जाता हूं कभी कभी बैंक में और अपने 100 और 200 के नोट को 10 रुपये के नोट में लेता हूं, मुझे उसकी आवश्यकता होती है तो मुझे दे दिया जाता है। यद्यपि हंस के बैंक के लोग कहते हैं ये आप इतने छोटे नोट क्यों ले जा रहे हैं, वो मेरा अपना व्यक्तिगत निर्णय है, तो मैं 10 के नोट ले आता हूं। तो आप 2000 रुपये के नोट हैं तो मैं 100 रुपये और 500 के नोट ले लूँगा। तो कहीं भी नोटबंदी का तो इससे कोई संबंध डिमोनेटाइजेशन से नहीं है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।